नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर आगरा से है। होमगार्ड्स व नागरिक सुरक्षा के मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने किया संवाद। स्वयं सेवकों से मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने किया संवाद। संवाद के बाद विभागीय अधिकारियों के साथ की बैठक। सिविल डिफेंस और होमगार्ड जवानों से किया संवाद। जल्द परेशानी समाप्त करने का मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने दिया आश्वासन। सूर सदन प्रेक्षागृह में हुआ आयोजन। आगरा भाजपा विधायक के द्वारा पुलिस पर लगाए गए आरोप पर कहा कि कोई बात थी उसे ऊपर पहुंचाना चाहिए था। पूरे मामले में इसकी समीक्षा की जाएगी। सपा सुप्रीमो द्वारा इनकाउंटर पर राजनीति के सवाल पर मंत्री ने दिया जवाब। बोले सपा मुखिया पहले अपने कार्यकाल की करें समीक्षा, सब आ जाएगा समझ में। योगी सरकार में कानून व्यवस्था हुई है दुरुस्त। संवाददाता आगरा से अर्जुन सिंह की खास रिपोर्ट। देखिए, बहुत पहले से मेरे मन में चल रहा था कि नागरिक सुरक्षा विभाग जब हमें मिला था उसके बाद चुनाव आ गया, चुनाव में फिर व्यस्त रहे, फिर उसके बाद मेरे मन में बहुत था कि दोनों विभागों की संयुक्त बैठक, क्योंकि दोनों विभाग समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, पब्लिक से जुड़े हुए होते हैं। तो मैंने संयुक्त रूप से बैठक करके कुछ निर्देश दिए हैं कि हमें ड्यूटी के साथ साथ मानव सेवा भी करना चाहिए। वो विशेष मेरा जोर रहा है प्रकृति संरक्षण और संवर्धन पे। हम लोग अपने स्तर से क्या इसमें अपनी भूमिका निभा सकते हैं, एक जागरूकता अभियान चला सकते हैं दोनों विभाग हमारे। प्रकृति का स्वच्छ रहना, शुद्ध वातावरण में रहना हम सब लोगों के लिए बहुत जरूरी है, आने वाली पीढ़ी हमारी है, इसलिए प्रकृति का संरक्षण संवर्धन और दूसरा जल का संरक्षण और संवर्धन। मैं आपके माध्यम से भी विभागों के अलावा आम लोगों से भी कहना चाहूँगा कि हमें प्रकृति का संरक्षण और जल का संरक्षण संवर्धन करना चाहिए। आने वाली पीढ़ी हमारी कहीं मुश्किल में फंसे, उनके लिए शुद्ध हवा रहे, शुद्ध वातावरण रहे, शुद्ध पानी रहे, ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है। ये कहा है हमने, और जो भी कुछ हमारे होमगार्ड के जवान, नागरिक सुरक्षा के जवानों ने अपनी कुछ बातें कही हैं, उस पर भी हम लोग विचार करेंगे और अमल करेंगे। नागरिक जो डिफेंस वाले हैं उन्होंने कहा कि पहचान नहीं है। निश्चित रूप से ऐसा नहीं है, जहाँ हमारे कहीं आपदा आती है जैसे सिविल डिफेंस में पहुंचता है, सबसे पहले पहुंचता है, तो ऐसा नहीं है कि लोग जानते नहीं है। लेकिन जिस तरह से होमगार्ड विभाग ने अपनी ड्यूटी से अलग हट करके तिरंगा यात्रा निकाली, वृक्षारोपण का बृहद अभियान चलाया, नदियों की सफाई का अभियान चलाया, इस तरह से जब समाज में काम करते हैं तो अलग पहचान बनती है समाज की। सिविल डिफेंस से भी हमने कहा है कि हम साथ साथ मानव सेवा के साथ भी काम करेंगे तो निश्चित रूप से पहचान मिलेगी। अपने कार्यकाल को अगर वो समीक्षा करेंगे तो मैं मान सकता हूँ कि समझ में आ जाएगा कि क्या है। रही बात एनकाउंटर की, तो एनकाउंटर में वो लूट में व्यक्ति सम्मिलित थे और पुलिस विभाग ने अपना काम किया है। पुलिस विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है कानून व्यवस्था मजबूत हुई है। मैं गया था चंडीगढ़, पुलिस पर बड़ा आरोप लगा है कि पुलिस कमीशन रेट नहीं, कमीशन का रेट है, बड़ी राजनीति हो रही है विपक्ष की तरफ से। निश्चित रूप से विधायक जी की अगर संज्ञान में कुछ बातें थी तो हमें ऊपर उच्च स्तर पर बतानी चाहिए थी अगर कहीं कोई बात है तो। और इसमें कहीं ना कहीं समीक्षा भी की जाएगी, सही क्या है, और अगर कहीं कोई अधिकारी गलत है या विधायक जी अपने सही बात नहीं कह रहे तो इसमें समीक्षा की जाएगी। समीक्षा के बाद जो समझ में आएगा वो किया जाएगा। उनको पुलिस को लाते देते हैं, चाहे उनको नहीं मिलता है उनका, पर हम उनको वहां तक पहुंचाते हैं। और कोई भी उसके लिए आर्थिक व्यवस्था सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से, शासन की ओर से हमें प्राप्त नहीं होती है। मेरे बहन ने कहा भी कोई डिफेंस है, माननीय मंत्री जी विगत वर्षों से पूर्व में जब से हमारा संगठन का गठन हुआ तब से हमारे प्रशिक्षण बीकेडी लखनऊ या नागपुर जा भी हुए, हम सिविल डिफेंस वालों को आने जाने का, रहने खाने के सभी भत्ते मिलते थे। लेकिन विगत वर्षों से भत्ता पूर्णतः शासन ने बंद कर दिया है। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि जब हम प्रतीक्षित नहीं होंगे, आर्थिक रूप से हम
आपकी सेवा में सहयोग नहीं कर पाएंगे तो हमारे कार्य में बाधा आगे जाके आएगी। इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे जो वर्षों से बढ़ते चले आ रहे थे, जिसमें मैंने स्वयं ट्रेनिंग नागपुर से किए है और अब विगत वर्ष से बंद कर दी गई है, उसे पुनः चालू करा। धन्यवाद। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, नमन करता। मैं वीरेंद्र सिंह सिसोदिया सिकंदा डिवीजन से हूँ, सिविल डिफेंस से सन 79 से जुड़ा हूँ। मैं एक निवेदन करूँगा, वैसे तो बहुत कुछ आपने किया है और सिविल डिफेंस और हमारे होमगार्ड्स को जोड़ा है। हमारे यहाँ कई उत्सव होते हैं, हम लोग हर काम में पुलिस के साथ प्रशासन के साथ सहयोग करते हैं और जगह जगह जाते हैं, बहुत दूरी बना दूरियों पर भी जाते हैं। जो सिकंदा है, कहाँ ताजगंज, कहाँ जो है रामबाग, कहाँ ईदगाह, कोई भी उसका एक्सेस हमको ध्यान नहीं होता है। फिर भी मन में उत्कंठा ये रहती है कि हम सिविल डिफेंस के कार्यकर्ता हैं तो हमें अच्छी तरह से काम करना चाहिए। दूसरी बात, मेरा और दिवाली, ईद, बाल विवाह इत्यादि पर हम पूर्ण कर्तव्य निष्ठा कर्तव्यता के साथ ड्यूटी देते हैं। मैं माननीय मंत्री का बहुत आभार करता हूँ कि उन्होंने ये कार्य किया है, एक साथ सिविल डिफेंस और होमगार्ड को साथ लिया है। इसकी ऐसी पहचान बनने वाली, जो लोग हम लोग सब काम करते हैं साथ में, एक पहचान बन जाए वाली। कोई भी आपका में हम कहीं जाते हैं तो पुलिस प्रशासन वाली सुनता नहीं है। माननीय मंत्री से मेरा ये अनुरोध है कि हम सभी सिविल डिफेंस कार्यकर्ताओं की एक पहचान बने, पुलिस की पहचान है। आज हमारा होमगार्ड सभी अधिकारी को पहचान गए हैं कि सिविल डिफेंस क्या है, जो साथ में काम करते हैं। ऐसा ही मैं अनुरोध कर रहा हूँ मंत्री से कि पुलिस में भी हमारी एक पहचान बने। धन्यवाद मंत्री जी, कि हम लोग शीघ्र ही और नए नए प्रतिमान और नए नए कीर्तिमान अपने विभाग की तरफ से स्थापित करेंगे। मैं जानता हूँ कि आप सभी लोग इस समय इंतजार कर रहे हैं कि जो कार्यक्रम है मुख्य रूप से माननीय मंत्री जी का आप लोगों से सीधे संवाद का, ये अपने आप में एक अनूठा एक कार्यक्रम है और आप लोगों के मन में बड़ी उत्कंठा। श्री श्याम के साई जी कृपया आके। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।